हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं CPWA कोड का, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स कोड का एक नया चैप्टर, विच इज़ जनरल्स आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ट्रांजेक्शन होंगे विद इन द डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, वो किस तरह से होंगे और अकाउंट्स किस तरह से रखे जाएंगे, ये पूरा का पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम कंप्लीट पहले करेंगे, एंड दैट इज़ द चैप्टर 3 ऑफ GAR 1990। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, उसका चैप्टर 3 जो है, जो पूरा गवर्नमेंट अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बताता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स। अब कंसोलिडेटेड फंड बेसिकली जो गवर्नमेंट का मेन फंड होता है, जहाँ गवर्नमेंट का मेन पैसा रखा होता है, दैट इज़ नोन एज कंसोलिडेटेड फंड। कंटिजेंसी फंड होता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, और पब्लिक अकाउंट्स को हम इन जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि जहाँ लोगों का पैसा रखा होता है, उसको हम पब्लिक अकाउंट्स कहते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। पहला होता है रिवेन्यू सेक्शन, दूसरा होता है कैपिटल सेक्शन और तीसरा होता है पब्लिक डेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब रिवेन्यू सेक्शन इज़ फर्दर डिवाइडेड इन रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल सेक्शन भी फर्दर डिवाइडेड है कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेशन हो गया। पहले गवर्नमेंट अकाउंट डिवाइड है 3 पार्ट में, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड फंड इज फर्दर डिवाइडेड इन रिवेन्यू सेक्शन, कैपिटल सेक्शन एंड पब्लिक डेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। रिवेन्यू सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई करेंगे अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में होता है, उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, या तो वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो, कौन से सर्विस के रिलेटेड है, उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं सेक्टर्स में। तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, लाइक सोशल सेक्टर होता है, जनरल सेक्टर होता है, इकोनॉमिक सेक्टर होता है, सो ऑल दीज आर सेक्टर्स। ठीक है, तो सेक्टर में सबसे पहले डिवाइड होते हैं ट्रांजेक्शन। सेक्टर को फर्दर डिवाइड किया जाता है मेजर हेड्स में। नाउ व्हाट अ मेजर हेड्स? मेजर हेड डिनोट करता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, वो किस फंक्शन के लिए किया गया है। मेजर हेड एसोसिएट विद फंक्शन। ठीक है, लाइक क्रॉप हस्बेंड्री इज़ अ फंक्शन, डिफेंस इज़ अ फंक्शन। तो इस तरह से कोई भी एक्सपेंडिचर है या कोई भी रिवेन्यू है, कोई भी रिसीट है, तो वो किस फंक्शन से रिलेटेड है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसका मेजर हेड क्या होगा, किस मेजर हेड के अंडर वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैटेगराइज होता है। तो ये हो गया मेजर हेड। मेजर हेड फर्दर डिवाइड होता है माइनर हेड में। कभी कभी एक ऑप्शनल हेड होता है, इसको हम बोलते हैं सब मेजर हेड, और सब मेजर हेड फर्दर डिवाइड होता है माइनर हेड में। सो अल्टीमेटली हम मेजर हेड के बाद पहुंचते हैं माइनर हेड में। माइनर हेड डिनोट करता है कि वो किस प्रोग्राम के अंडर एक्सपेंडिचर किया गया है, या फिर किस प्रोग्राम के थ्रू हमको कोई रिवेन्यू मिला हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया फंक्शन, दैट इज़ फॉर मेजर हेड, एंड देन प्रोग्राम इज़ फॉर माइनर हेड। नाउ माइनर हेड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब हेड्स में, जो शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, वो कौन से स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, एक प्रोग्राम में अलग अलग स्कीम हो सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि उसका सब हेड क्या होगा, एंड सब हेड इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इन डिटेल्ड हेड, और ये होता है यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि इससे नीचे और कोई उसका फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं होता। हमने एक बार इतना बता दिया, हमने सेक्टर बता दिया, मेजर हेड बता दिया, माइनर हेड, सब हेड और डिटेल हेड बता दिया, तो हम कन्फर्म हो जाएंगे कि ये पैसा किस चीज़ में खर्च किया गया है, या फिर ये रिवेन्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास आया हुआ है। इसके बाद हमको फर्दर डिवीज़न की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शंस का पूरा कैटेगराइजेशन। अब वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे, विच इज़ जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, जो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला इसका पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, और दूसरा है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में बेसिकली क्या होगा कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं इसमें CPWD में। ठीक है, वो होगा, और दूसरा होगा कि इसके अकाउंट्स किस तरह से यहाँ कैसे कैटेगराइज हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल तो वही होगा जो अभी हमने देखा GAR 1990 के हिसाब से, लेकिन इसमें फर्दर क्या क्या और चेंजेस होंगे या फर्दर क्या एडिशंस होंगे, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ
ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो काम हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि CPWD परफॉर्म्स वर्क, कौन कौन से काम CPWD करता है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बाई ऑल सिविल डिपार्टमेंट, जितने भी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो जो काम करना पड़ेगा सब कुछ करना किसका काम है, CPWD का, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो सारे काम करेगा जो दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स के लिए उसको करना पड़ता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अब ऐसे काम भी हैं जिसको वो ओकेशनली करता है, कभी कभी करता है, ठीक है, जब स्पेशल सर्कमस्टांसिस में करता है, ठीक है। कौन से? इंटरेस्टेड टू अदर्स, ऐसे ऐसा कोई काम है जो दूसरों को दिया गया है, दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, वो काम अगर इसको ओकेशनली कहा जाए कि यार आप कर दो तो भी CPWD उस काम को कर देता है, ठीक है। ओकेशनली में एक और कैटेगरी है, अदर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, जो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है या दूसरे गवर्नमेंट का काम है या जो नॉन गवर्नमेंट का काम है, वो भी अगर CPWD को इंटरेस्ट किया गया तो वो काम भी CPWD करता है। और चौथा कैटेगरी है विच इज़ पेटी सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा मेन जो कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं या मेन जो वर्क्स होते हैं उनके अलावा ये पेटी सर्विसेज भी देता है, ये मटेरियल का सप्लाई भी दे देता है, ठीक है, ये रिपेयर वर्क भी कर देता है, तो इस तरह की पेटी सर्विसेज भी देता है। सो बेसिकली CPWD के काम क्या क्या हो गए? पहला तो जो जितने सिविल डिपार्टमेंट्स के काम है वो करेगा, ठीक है। दूसरा ओकेशनली ये दो तरह के काम करता है, एक वो काम जो दूसरों को दिया गया है और बाद में इसको कहा जाए कि यार आप कर दो तो वो काम ही CPWD करेगा। और इसी में एक और कैटेगरी है कि दूसरे डिपार्टमेंट का कोई काम है या गवर्नमेंट का कोई काम है, दूसरे गवर्नमेंट का काम है या फिर नॉन गवर्नमेंट का भी कोई काम है, उसको भी अगर CPWD को आप अलॉट कर दो तो वो काम भी CPWD करता है। और लास्ट कैटेगरी है पेटी सर्विसेज, मेन वर्क के अलावा भी ये रिपेयर वर्क हो गया या मटेरियल का सप्लाई हो गया या कोई भी सर्विसेज हो गया, इस तरह के पेटी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद कोई भी डिवीज़न में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो विद इन द डिवीज़न हो, दूसरे डिवीज़न के साथ हो, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हो या दूसरे गवर्नमेंट के साथ हो, किसी भी डिवीज़न में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे के सारे CPWD के DO के अकाउंट्स में एडजस्ट होते हैं। वो सारे ट्रांजेक्शन CPWD जितने भी ट्रांजेक्शन करेगा एक डिवीज़न के अंदर, वो सारे के सारे उस डिवीज़न के डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट में एडजस्ट होते हैं। लेकिन इसमें दो तीन एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है क्या कि अगर CPWD ने PNT के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, टेली कम्युनिकेशन के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया और पॉसी कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, तो वो ट्रांजेक्शन्स CPWD के DO के अकाउंट में एडजस्ट नहीं होते। ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास एडजस्ट होते हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो पुराने इमारतें होती हैं उनके संग्रहण के लिए अगर कोई खर्च होता है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो ये सब भी इसके अकाउंट्स में, DO के अकाउंट में एडजस्ट नहीं होता, ठीक। और तीसरा है सिविल एरोड्रोम्स के रिलेटेड भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी अगर कोई खर्च करता है CPWD, यहाँ से कोई रिवेन्यू आता है, जो भी होता है, तो ये भी ट्रांजेक्शन्स CPWD के DO के अकाउंट में मेंटेन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि अगर एक एडमिन दूसरे एडमिन के बिहाफ में कोई काम करता है, ना व्हाट इज़ एडमिन? एडमिन हो सकता है या तो अलग डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर अलग गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, अलग डिवीज़न नहीं हो सकता। एडमिन, एक एडमिन है वो दूसरे एडमिन के बिहाफ में कोई काम किया, मतलब अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के बिहाफ में कोई काम कर दिया या फिर एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई काम कर दिया, तब वो अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होंगे, ठीक। तो अगर काम इसने किया है, अगर एडमिन वन ने काम किया है एडमिन टू के बिहाफ में, तो वो जो अकाउंट्स हैं वो एडमिन वन के पास मेंटेन होंगे, ठीक है। एडमिन वन ने अगर एडमिन टू के बिहाफ में, मतलब इस डिपार्टमेंट ने या इस गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट या इस गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई काम किया है, तो अकाउंट उसके पास मेंटेन होगा जिसने काम किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है कि अगर एक डिवीज़न ने दूसरे डिवीज़न के बिहाफ में काम ही कर दिया, इसका मतलब ये सेम डिपार्टमेंट के दो अलग अलग डिवीज़न हैं, और तब डिवीज़न वन ने डिवीज़न टू के बिहाफ में कोई काम किया, तब ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट होगा डिवीज़न टू के अकाउंट्स में। अगर एडमिन वन ने एडमिन टू के बिहाफ में किया, तो एडमिन वन मतलब अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो उसके अकाउंट्स में जाएगा जिसने काम किया है। लेकिन अगर एक ही डिपार्टमेंट और एक ही गवर्नमेंट के अंदर में दो डिविजन्स हैं
और इसने डिवीज़न वन ने डिवीज़न टू के बिहाफ में कोई काम कर दिया, तो इसके अकाउंट में नहीं जाएगा जिसने काम किया, उसके अकाउंट में जाएगा जिसका एक्चुअली काम था। इसमें फर्दर एक एक्सेप्शन यह है कि अगर ये मैन्युफैक्चर काम था, अगर ये जो वर्क किया डिवीज़न वन ने डिवीज़न टू के बिहाफ में, ये वर्क एक्चुअली मैन्युफैक्चर था, मतलब ये कोई वर्क कर रहा था, ये सपोज़ एक ब्रिज बना रहा था या एक बिल्डिंग बना रहा था, और उसके लिए उसको किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई और वो मटेरियल इसने मैन्युफैक्चर किया, तो एक्चुअली डिवीज़न वन ने डिवीज़न टू के बिहाफ में किया लेकिन ये मैन्युफैक्चर था। तो अगर ये मैन्युफैक्चर था तब ये अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा, तब ये अकाउंट यहाँ बनेगा और अल्टीमेटली उसका जो टोटल रिकवर किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बिहाफ में कोई काम करता है या एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई काम करता है, तो सारे ट्रांजेक्शन्स वहाँ एडजस्ट होंगे जहाँ काम किया गया है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट ने या जिस गवर्नमेंट ने काम किया है उसके अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट होंगे। लेकिन अगर एक ही डिपार्टमेंट के दो डिवीज़न हैं और एक डिवीज़न ने दूसरे डिवीज़न के बिहाफ में काम कर दिया, तो सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ एडजस्ट नहीं होंगे जिसने काम किया है, सारे ट्रांजेक्शन्स वहाँ एडजस्ट होंगे जिसका एक्चुअली वो काम था। लेकिन अगर ये काम मैन्युफैक्चर था तो यहीं एडजस्ट होगा जहाँ पे काम किया, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया है, और अल्टीमेटली इस मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है उसको पूरी की पूरी उसकी रिकवरी की जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले ही कोई भी ट्रांजेक्शन्स अल्टीमेटली आपके अकाउंट में आए या ना आए, लेकिन एक बार आपने कोई भी काम शुरू कर दिया तो उसके ट्रांजेक्शन्स उसके इनिशियल अकाउंट्स मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम यह है कि कोई भी आप वर्क कर रहे हैं सो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई दूसरा ट्रांजेक्शन करना पड़े तो वो ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करना भी आप ही का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दूसरे डिवीज़न या दूसरे डिपार्टमेंट के बिहाफ में कोई वर्क कर रहे हैं और उस वर्क के लिए आपको एक मटेरियल चाहिए और ये मटेरियल आपको मैन्युफैक्चर करना पड़े, तो इस वर्क का इनिशियल अकाउंट तो आप मेंटेन करेंगे ही, इस मैन्युफैक्चर का अकाउंट भी मेंटेन करना आप ही का काम है। इसके बाद आते हैं CPWD के हेड्स पे। तो बेसिकली चार टाइप के हेड्स हैं, एक्सपेंडिचर हेड, रिवेन्यू हेड, रेमिटेंस हेड और सस्पेंस एंड डिपॉजिट हेड। सबसे पहले एक्सपेंडिचर हेड, सीधे सीधे जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो उस डिवीज़न का एक्सपेंडिचर होगा वो सब का सब होता है एक्सपेंडिचर हेड में, ठीक है। जो डिवीज़न के खर्चे हैं वो किसी दूसरे के बिहाफ में खर्च नहीं कर रहा है, डिवीज़न के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर हेड से किए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली डिविजन्स के जो रिवेन्यू हैं वो किसी दूसरे के बिहाफ में, किसी दूसरे डिवीज़न के बिहाफ में रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो खुद का ही डिवीज़न से जो खुद के डिवीज़न के जो रिवेन्यूज़ हैं वो सबके सब रिवेन्यू हेड्स में आएंगे। तीसरा है रेमिटेंस हेड, ये कंप्लीट कवर करता है उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जो दूसरे के बिहाफ में करते हैं। हमने दूसरे के बिहाफ में एक्सपेंडिचर कर दिया और बाद में उससे रिकवरी करना है तो ये एक्सपेंडिचर रेमिटेंस हेड में आएगा, या फिर हमने दूसरे के बिहाफ में रिसीट कर लिया और ये पैसा हमको बाद में किसी को देना है तो ये जो हमने रिसीट किया था ये भी रेमिटेंस हेड में आएगा। तो इन तीनों में तो क्लियर हो गया कि एक्सपेंडिचर केवल वो एक्सपेंडिचर जो किसी और के बिहाफ में नहीं है, रिवेन्यू केवल वो रिवेन्यू जो किसी और के बिहाफ में नहीं है, और रिमिटेंस में वो सारे एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू जो किसी और के बिहाफ में है। दूसरे के बिहाफ में हमको रिवेन्यू मिला, हमने बाद में उसको दे दिया, ये भी रेमिटेंस है, और दूसरे के बिहाफ में हमने एक्सपेंडिचर किया, हमने बाद में उससे रिकवरी किया तो ये भी रेमिटेंस है। चौथा कैटेगरी होता है सस्पेंस एंड डिपॉजिट, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो हमको नहीं पता होते हैं कि अल्टीमेटली उसको कहाँ क्लियर करना है, ये सब होते हैं सस्पेंस एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट किसी ने डिपॉजिट किया है आपके पास, किसी के पैसा रखा हुआ है आपके पास, उसको अल्टीमेटली आपको क्लियर करना है, तो ये डिपॉजिट हो गया। और सस्पेंस वो सारे ट्रांजेक्शन जो आपको कैटेगराइजेशन ही नहीं पता कि आपको कहाँ अल्टीमेटली उसको फाइनल करना है, कहाँ क्लियर करना है, तो वो सारे होते हैं सस्पेंस में। तो ये होता है चौथी कैटेगरी। सो ये टोटल चार कैटेगरी हो गए, चार हेड्स हो गए, ठीक है, एक्सपेंडिचर हेड हमारे खर्चे, रिवेन्यू हेड हमारे रिवेन्यू, रिमिटेंस हेड दूसरे के बिहाफ में रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और चौथे सस्पेंस और डिपॉजिट जिसको अल्टीमेटली हमको कहीं और क्लियर करना है। इसके बाद आते हैं हेड्स फॉर स्पेशल एक्सपेंडिचर, कोई भी स्पेशल एक्सपेंडिचर आपको करना है तो कौन से हेड में होगा ये प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी स्पेशल एक्सपेंडिचर होगा तो कौन से हेड के अकॉर्डिंग होगा ये प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ CAG।
सीएजी के एडवाइस पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि अगर कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर है जिसका क्लासिफिकेशन पहले नहीं है हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंट में, तो वो कौन से हेड में या किस तरह के हेड में उसको अल्टीमेटली एडजस्ट किया जाएगा। बाकी सारे हेड्स होंगे वो डिसाइड होंगे एज पर गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 एंड लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स। तो इन दोनों के हिसाब से जो हेड्स का बना हुआ है क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट किए जाते हैं। आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ सिस्टम ऑफ अकाउंट। और सिस्टम ऑफ अकाउंट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंसान होता है वो होता है डिविजनल ऑफिसर। डिविजनल ऑफिसर उस पर्टिकुलर डिवीज़न का में प्राइमरी डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस डिवीज़न में जितने भी डिसबर्समेंट करने हैं, जितने भी पैसे देने का काम करना है, वो सब का सब डिविजनल ऑफिसर करता है। केवल दो कैटेगरीज ऐसे हैं जिसके पेमेंट ये खुद नहीं करता, उसके बिल्स ये पीएओ को सबमिट करता है, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को, और पे एंड अकाउंट ऑफिसर फर्दर उसका पेमेंट करता है। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं? पहला है जीपीएफ अदर देन ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। ग्रुप डी को छोड़ के बाकी लोगों के जीपीएफ के पेमेंट ये डीओ डिविजनल ऑफिसर डायरेक्ट नहीं करता, ये उसका बिल सबमिट करता है पीएओ को और पीएओ उसका पेमेंट करता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये है ग्रुप डी के अलावा बाकी लोगों का। ग्रुप डी का पेमेंट डिविजनल ऑफिसर कर सकता है। और एक और चीज़, जीपीएफ का एडवांस डिविजनल ऑफिसर दे सकता है, जीपीएफ का फाइनल पेमेंट डिविजनल ऑफिसर नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि जीपीएफ का एडवांस किसी का भी है तो डिविजनल ऑफिसर दे सकता है, लेकिन अगर जीपीएफ का फाइनल पेमेंट है तो केवल ग्रुप डी ऑफिसर का दे सकता है, उसके अलावा अगर किसी का है तो वो पीएओ के थ्रू देगा। दूसरा कैटेगरी है लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब ऐसे लोन्स जो 60 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स के हैं, 60 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में होने वाले हैं, उनको भी डिविजनल ऑफिसर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता, उसका डिसबर्समेंट भी वो पीएओ के थ्रू करता है। नेक्स्ट पार्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये है कि कोई भी डिवीज़न कितना खर्च करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसका एक लिमिट सेट करती है गवर्नमेंट, और एक बजट अलॉट होता है, और उसके बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांच को जहाँ से वो डिवीज़न ऑपरेट करता है। तो बैंक के ब्रांच को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये डिवीज़न आपसे मैक्सिमम सपोज 50 लाख रुपये ले सकता है, तो ये फिर चेक ड्रॉ करके 50 लाख तक का अमाउंट ये लोग ले सकते हैं। 50 लाख से जैसे ही आगे बढ़ा वो बैंक देने से मना कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट ने, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट चेक ड्रॉ करेगा कौन? या तो डीओ और या फिर पीएओ। तो ये लोग चेक ड्रॉ करेंगे अपने डिविज़न के एक्सपेंडिचर्स के लिए, और उस लिमिट के आने तक ये लोग चेक ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग चेक ड्रॉ भी करेंगे तो बैंक उनको पेमेंट नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये इनको अलॉट कैसे होता है, बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सर्कल ऑफिस। अगर आपने डेफिनेशन वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें है सर्कल ऑफिस, आपको पता है क्या होता है। तो सर्कल ऑफिस के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो उस लोकेलिटी के किसी एक CPWD डिवीज़न को अलॉट कर दिया जाता है। इसका मतलब उसके सारे पेमेंट्स, उस सर्कल ऑफिस के सारे पेमेंट उस डिविजनल ऑफिस के थ्रू होते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से डिवीज़न को अलॉट किया जाएगा? ये डिसाइड करता है आपका PAO, आपका पे एंड अकाउंट ऑफिसर। ये बताएगा कि किसी सर्कल ऑफिस के जो एक्सपेंडिचर हैं वो किस डिवीज़न के द्वारा किए जाएंगे। चैप्टर के एंड में कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि डिविजनल ऑफिसर के अंडर में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो डिविजनल अकाउंटेंट अपने सुपरविज़न में बनवाता है, और उसको कंपाइल करके मंथली पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करता है। मैं रिपीट करता हूँ कि डिविजनल ऑफिसर के अंडर में जितने अकाउंट्स बनने हैं वो डिविजनल अकाउंटेंट अपने सुपरविज़न में बनवाता है और कंपाइल करके उसको मंथली पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करता है। दूसरी बात ये कि स्टोर्स के जितने अकाउंट बनते हैं उस सब का बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिविजनल ऑफिसर की। और तीसरा है कि जब भी हम किसी के ड्यूज़ पेमेंट करते हैं, जब भी हम किसी ऑफिसर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो ऑफिसर सेटिस्फाइड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम डिविजनल ऑफिसर को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, प्लस ऑडिट टीम को भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि उनको जो पेमेंट किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया है।
इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी ऑफिसर को हमें 12,000 रुपीज़ देने थे, 12,000 रुपये, हमने उनको 10,000 रुपये दिए और ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, क्या ठीक है मुझे 10,000 मिल गए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, डीओ खुद चेक करेगा कि उनको अगर 12,000 मिलने चाहिए थे तो उनको 12,000 मिले या नहीं, और इसके बाद ऑडिट की टीम जब ऑडिट करेगी तो वो भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि उनको जो जितना अमाउंट मिलना था उसका एग्जैक्ट अमाउंट उनको मिला है या नहीं है, तब कहीं हम जाके इस ट्रांजेक्शन को सही मानेंगे। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हो गए, और इसी के साथ इस चैप्टर के लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर पोर्शन रह गया है, या अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन को हम ज़्यादा एलिबरेट करके एक्सप्लेन करें, तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगे। हम उस कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने ला सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।